नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित। तो मेलबर्न में टीम इंडिया ने मैच जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज को अभी फिलहाल 1-1 से बराबर कर लिया है। तीसरा टेस्ट मैच जो है सिडनी में खेला जाएगा, जो 7 जनवरी से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गुड न्यूज आ रही है। वो गुड न्यूज क्या है वो आपको बता देंगे, लेकिन आप उससे पहले हमारा चैनल एनएन स्पोर्ट्स सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि मेलबर्न में टीम इंडिया ने एक शानदार जीत हासिल की। पहले एडिलेड में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद टीम इंडिया ने बहुत शानदार कमबैक किया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया पे उनके प्रदर्शन को लेके कई सवाल उठे हैं, क्योंकि पहली पारी में वो मात्र 195 रन पे आउट हुए और दूसरी पारी में वो 200 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सवाल खड़े हुए हैं कि वो इस तरह का प्रदर्शन क्या आगे भी जारी रखेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में कम से कम 8 या 9 कैच छोड़े, जो पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इतने सारे कैच छोड़े, और साथ ही साथ उन्होंने मैच भी छोड़ दिया है। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो टिम पेन जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत सारी गलतियां टीम से हुई, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को सही वक्त पे जो है उन्हें विकेट नहीं मिले। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने एक शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अब गुड न्यूज़ क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो आपको बताते हैं। आपने देखा था कि मैथ्यू वेड और जो बर्न्स जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, वो दोनों पारियों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि मैथ्यू वेड ने एक 40 रनों की पारी खेली, लेकिन वो इतनी बड़ी पारी नहीं थी कि टीम को जीत दिला सके। अब खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर यानी कि डेविड वार्नर तीसरे टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। डेविड वार्नर को वनडे सीरीज के दौरान ग्रोइंस में चोट लगी थी, उसके बाद ऐलान किया गया था कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे और पहले और दूसरा टेस्ट मैच भी वो नहीं खेले चोट के कारण। लेकिन अब टिम पेन ने भी एक इशारा किया है कि तीसरे टेस्ट मैच में यानी कि सिडनी में डेविड वार्नर खेल सकते हैं। अगर डेविड वार्नर खेलेंगे तो जाहिर बात है कि मैथ्यू वेड तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मे बी उनकी जगह डेविड वार्नर उनके साथ ओपनिंग करते हुए आपको दिखे। लेकिन जो बर्न्स जो है, जो दोनों टेस्ट मैच में अभी तक फ्लॉप रहे, उनका भार बैठना लगभग तय है। तो गुड न्यूज ऑस्ट्रेलिया के लिए हार के बाद ये आ रही है कि डेविड वार्नर जो है तीसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, और टीम इंडिया के लिए भी ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जब जब डेविड वार्नर ने बल्लेबाजी की है काफी सारे रन बनाए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या डेविड वार्नर जब ओपनिंग करने आते हैं तो किस तरह से भारतीय गेंदबाज यानी कि जसप्रीत बुमराह, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज, अश्विन किस तरह की गेंदबाजी उनको करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अब जो होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया को, वो ये हुआ कि डेविड वार्नर अगर लंबी पारी खेलते हैं तो स्कोर काफ़ी बढ़ जाएगा और टीम इंडिया को फिर चेज या लीड बढ़ाने में एक मुश्किल आ सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके नीचे हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टूर की पूरी अपडेट्स के लिए आप एनएन स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ newsnationtv.com पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।